हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एमजाइन ई लर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास कोई भी बिल आता है, कोई सेल परचेज का कोई भी इनवॉइस आता है, उसको हम कैसे रीड करते हैं, उसमें कौन कौन से डिटेल्स क्रूशियल होती है और उनको कैसे हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स इनवॉइस है। ठीक है, जिसमें ऊपर हमारे पास रहती है GSTN नंबर। ठीक है, अब हमारे पास हर बिल में दो पार्टीज होती है। एक पार्टी होती है जो हमारी सेल कर रही है। ठीक है, ये हमारी जैसे आएगी सेल की पार्टी, दूसरी आएगी जो परचेज कर रही है। ठीक है, सेकंड पार्टी। अब इस बिल में आप नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ टैक्स इनवॉइस, इसका मतलब इस बिल पे हमारा GST एप्लीकेबल है। ठीक है, सो आप बाकी डिटेल्स पे जाएंगे। सबसे पहले आ गया GST नंबर। जैसे जो हमारा GST नंबर है 15 डिजिट जिसमें पूरे होते हैं, 03 हमारा स्टेट कोड है पंजाब का, बीच में हमारा रहता है पैन नंबर और लास्ट में हमारी रहती है रैंडम सीरीज। उसके बाद आती है पार्टी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, देन आता है हमारा फॉर्म का नेम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फॉर्म का नेम आ रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिमिटेड। इसका मतलब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिमिटेड की सेल बिल है। ठीक है, उसके नीचे आ गई इनवॉइस नंबर। जो इनवॉइस नंबर होता है वो पर्टिकुलरली फर्म का एक सीरीज होती है, वो कंटिन्यू चलती है। जैसे इनमें इनका इनवॉइस नंबर है T892। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डेट, जिस डेट पे हमारा पर्टिकुलरली वो इनवॉइस इशू है वो डेट हमारी होती है डेट ऑफ इनवॉइस। नीचे आ गया हमारा सेकेंड पार्टी जिनको ये सेल हुई है, जिसमें है गेम्स वर्ल्ड जलंधर, ये इनका स्टेट कोड है, ये इनका GST नंबर आ गया। ठीक है, नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है पंजाब, देन आफ्टर हमारा आ गया सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट रेट, CGST परसेंटेज, ST परसेंटेज एंड अमाउंट। ठीक है, तो आइटम वाइज जैसे इन्होंने आइटम्स यहाँ पे ऐड करके उसका HSN कोड जो पर्टिकुलरली वो असाइन किया है, क्वांटिटी, यूनिट रेट्स उनके असाइन किया हुआ, कितना उस पर GST एप्लीकेबल है। जैसे आप देख सकते हैं इस बिल में जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी यूनिट है, जो हमारी फर्स्ट आइटम है उस पे 12% GST है, सेकेंड आइटम पे 18% GST है एंड थर्ड आइटम पे 5% GST है। इसी तरह से अलग अलग रेट्स ऑफ GST जो इस पे सेट किए हुए हैं। फिर उसके बाद आगे क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जितनी है हमारे बिल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आ गया हमारा HSN वाइज समरी, आ गई टैक्सेबल डिटेल्स आइटम्स की, टोटल आ गया हमारा टोटल बिफोर टैक्स एंड उसके बाद इस पे फ्रेट चार्जेस कोई भी ऐड किए हुए हैं, देन आफ्टर जो हमारा CGST एंड SGST है वो एप्लीकेबल है, राउंड ऑफ की वैल्यू थी इसमें, राउंड ऑफ क्या हुआ है नियरेस्ट वैल्यू तक, एंड देन आ गया ग्रैंड टोटल। नीचे इसमें आ गए हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, एंड एट लास्ट हमारा आ गया ऑथराइज सिग्नेचरी। तो इस तरह से आप कोई भी बिल जो है उसको आप रीड कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स इसमें क्रूशियल रहती है वो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एमजाइन। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।